आना है तो आ जाओ। फट गया क्या? उतारो उसको, उतारो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ अपने स्कूल के पास, जो कि मैंने यहाँ पे एटलीस्ट 5th तक तो पढ़ाई की है। मैं अपने गांव में गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ पे मैंने 5th तक पढ़ाई की थी। उसके बाद में मैं शिफ्ट हुआ था वहाँ राजस्थान में। तो आज मैं वापस से यादें ताज़ा करने जा रहा हूँ अपने स्कूल के पास, और कुछ बच्चे भी हैं मेरे साथ, सबके साथ जाएंगे। ठीक है, तो चलो दिखाता हूँ मैं कि मतलब कैसे स्कूल से पढ़ा हुआ था, 1 से 5th क्लास तक। सब कुछ मैं दिखाऊंगा इस ब्लॉग में, तो इस ब्लॉग को लास्ट तक देखते रहना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी खेत के बीचों बीच से हम जा रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये हैं कुछ बच्चे जो मेरे साथ हैं और हम सारे जाने वाले हैं। इनमें से अब तो यहाँ पे कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अब सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लग गए और ये गवर्नमेंट स्कूल है, तो यहाँ पे कोई पढ़ता नहीं है। बट इन्होंने बोला कि भैया ब्लॉग बनाओ एक हमारे साथ, तो मैं सोचा कि क्यों ना इन लोगों को लेके हुए ब्लॉग बनाया जाए। ठीक है, तो देखो मैं कैसे रास्ते पे चल रहा हूँ अभी। यहाँ देखो, ऐसे रास्ते होते हैं खेतों के बीच में। बिहार से यदि आप हो तो आपको पता होगा, नहीं हो तो देख लो आप। और इस पे चलना पड़ता है, उसके बाद में वहाँ पे रोड आएगा। और ये हमारे गांव का शंकर भगवान का मंदिर है यार, और स्कूल थोड़ा सा वहाँ है, जाना पड़ेगा, मैं दिखाऊँगा आपको। सो अभी हम रोड पर जा रहे हैं यहाँ पर। और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये इसकी डिमांड थी कि भैया मेरे साथ एक ब्लॉग बनाओ। ठीक है, तो क्या नाम है तुम्हारा बताओ तो? शिवान सिंह। शिवान सिंह नाम है ना। मेरे को क्या कहते हो तुम, भैया या चाचा? भैया। भैया कहते हैं, ठीक है। ये रिलेशन में पास में शादी थी तो वहाँ पे आए हुए हैं कुछ बच्चे। यहाँ देखो यार, यहाँ का रोड कैसा है। बिहार मतलब पिछड़ा हुआ ही रहेगा ऐसा लगता है सबको, और मेरे को भी ऐसा लगता है। देखो रोड देख के आप समझ जाओगे। ये देखो यहाँ का रोड कैसा है। सब जगह का रोड अच्छा हो गया, और ये रोड अच्छा था कुछ दिन पहले, बट इसको उखाड़ पखाड़ के तोड़ के पूरा ऐसा कर दिया है। अब इतनी प्रॉब्लम होती है हमको जाने में, यहाँ से पैदल भी जाते हैं तो गाड़ियाँ धुल उड़ा के चली जाती है। और ये अराउंड 5-6 महीने से ऐसा ही है ये। अब आपको मैं मिलाता हूँ हमारे गौरव सिंह से। तो ये है गौरव सिंह, और इसको हम प्यार से ओकी भी बुलाते हैं, जो कि निकने में इसका घर पे सब ओकी बुलाते हैं, बाकी स्कूल में सब जगह गौरव सिंह नाम है इसका। और क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा अंकल? मैं इसका अंकल लगता हूँ। ठीक है, और अब है हमारे पास ये लड़का। क्या नाम है तुम्हारा? अंश। अंश नाम है। तुम उसके भाई हो? उसके भाई हो ना? शिवांश के भाई हो ना? कहाँ पर रहते हो तुम? टूड़ीगंज रहते हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टूड़ीगंज यहाँ पे बिहार में एक स्टेशन है, उसके पास में एक सिटी जैसा भी है, तो वहाँ पे ये रहते हैं। ये भी शादी जो हो रही है उसी में आए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम पहुँचने ही वाले हैं बहुत जल्दी। ज़्यादा रास्ता बड़ा नहीं है, सिर्फ अराउंड 400 to 500 meters के दूरी पे है। सो अभी तो हम पहुँच गए हैं स्कूल के पास। देखो ये है मेरी स्कूल, मतलब जो थी पहले, और यहाँ पे गेट बंद है तो क्या करें? कूद के जाना पड़ेगा। अरे आ जाओ, क्या करें? कूद के जाना पड़ेगा। कूद के चलें? कूद जाओगे तुम लोग? मैं तो कूद जाऊंगा। चढ़ जाओगे तुम? चढ़ जाओगे? आना है तो आ जाओ। फट गया क्या? उतारो उसको, उतारो। ओकी लटक चुका है। तो यहाँ पे सब लोग सक्सेसफुली आ चुके हैं अंदर चोरी छुपके। और ये देखो, ये है मेरा स्कूल। नाम क्या लिखा है देखो एक बार। प्राथमिक विद्यालय बरुना अंचल बिहिया एंड भोजपुर। ठीक है, तो ये है मेरी स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ के गया 5th क्लास तक, और अब यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। तो चलो मैं आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे स्कूल के पास। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो कि बाहर ही है, फ्लैग होस्टिंग का। यहाँ पे स्टैंड बना रखा है, हमने यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग किया है बहुत बार। ये देखो यहाँ पर सूचना पट, इंफॉर्मेशन वगैरह कोई भी होती है तो यहाँ पर लगाया जाता है, और उपस्थिति वगैरह होती है, प्रेजेंट कितने बच्चे वगैरह सब कुछ यहाँ पे होता है। और ये जो रूम है, इस रूम में हम बहुत बार बैठे हैं। और ये वो है जब प्रिंसिपल जहाँ बैठते थे, वो है एक जगह प्रिंसिपल बैठते थे और बाकी हम बच्चे बैठते थे यहाँ पर। चलो मैं आपको और आगे दिखाता हूँ। इसके बाद में ये जो रूम है, ये जो रूम है यहाँ पर खाने वाने का सामान वामान रखा जाता था। उसके बाद में इन्होंने ये पूरा नया बनाया यहाँ पे पीछे। अब चलो यहाँ पे दिखाते हैं।
क्या हुआ? हाँ, हरियाली तो कहना ही नहीं है यहाँ पे, बहुत ज्यादा यहाँ पे पेड़ वेड़ फूल। ये किस चीज का फ्लावर है ये नहीं पता ना, मेरे को भी नहीं पता। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब बहुत सारा रूम यहाँ पे बना दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे लिखा है वर्ग कक्ष वन, मतलब फर्स्ट क्लास यहाँ पे बैठती है, ठीक है। आ जाओ, सेकेंड यहाँ पे बैठती है, सेकेंड क्लास ये क्या है, वो उसी क्या है, ठीक है। सेकेंड क्लास यहाँ पे बैठती है वर्ग कक्ष दो, एंड ये उसी का गेट है, मेरे को लगा कि दूसरे का गेट है ये। एंड देन हमारे पास है यहाँ पे वर्ग कक्ष थ्री है, यहाँ पे जहाँ पे थर्ड क्लास बैठती है, और उसी का गेट ये भी है यहाँ, और ये है फोर्थ क्लास, यहाँ तक यहाँ बैठती है। और ये स्कूल एक्चुअली फिफ्थ क्लास तक ही है, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ खाना वाना बनाने का यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, यहाँ खाना वाना बनता है। और वहाँ पे पीछे की तरफ में टॉयलेट वगैरह है। अभी फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, मच्छर बहुत है यार, ये सब क्या लगा रखा है यहाँ पे। ये फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पे बैठती है क्लास फिफ्थ, क्लास फिफ्थ के बच्चे यहाँ पे बैठते हैं, देखो ऊपर दिखा हुआ है वर्ग कक्षा फिफ्थ। और ये जो चीज़ है ये वाला, ये कुछ मापने वगैरह का था, 6 फीट का था ये टोटल, तो 6 फीट का साढ़े सिक्स है। अभी कुछ लिखा नहीं है अभी, क्योंकि हटा दिया गया, पता नहीं क्यों हटा दिया गया। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ ऊपर से, यहाँ से कैसा दिखता है पूरा। देखो कितनी हरियाली है यहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल है बट हरियाली मेंटेनेंस वगैरह बहुत तगड़ी लगी है यहाँ पे, और पूरा हरा भरा ही दिख रहा है यहाँ पे स्कूल। पहले ऐसा नहीं था जब हम पढ़ते थे, बट अब हो गया है। और वो है गेट जहाँ से हम आए थे अभी, एंड ये रहा फ्लैग होस्टिंग वाला, और वो जो मैंने आपको रूम दिखाया प्रिंसिपल वगैरह का। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जाते भी हैं उस पे जाने के लिए, तो चलो मैं भी चलता हूँ एक बार। सो गाइज, यहाँ से वहाँ जाने के लिए कूद के जाते हैं, तो पहले तो नहीं कर पाते थे क्योंकि छोटे थे, अब थोड़े बड़े हो गए तो थोड़ा बहुत तो चलता है यार, इतना तो कर ही सकते। तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, जा रहा हूँ वहाँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तुम बता ना, चलो गिर जाओगे, बहुत दूर है ये, क्या हाँ देखो सिर्फ ये है दूसरा छत, जो कि पुराना जो बना हुआ था, ये पहले इतना बना हुआ था जब हम पढ़ते थे, उसके बाद में ये पूरा नया बना जब यहाँ से निकल गए, ठीक है। और यही है मेरा स्कूल यार, बहुत मिस करता हूँ मैं बचपन को, ये आपको पता है कि सब लोग करते, मैं भी करता हूँ, राइट। तो अब मैं वापस आ रहा हूँ, यहाँ से जंप करके आना ही पड़ेगा, चलो आता हूँ मैं ना। ओके हट जा, हट जा, आ गया मैं आ गया वापस। तो अभी तो यहाँ से आ चुका हूँ मैं, अब जाएंगे हम इस साइड में, चलो इस साइड क्या है दिखाता हूँ मैं तुम लोग को। पहले आए हो तुम लोग स्कूल पे? पहले आए हो, नीचे से आके गए होंगे ना तुम लोग, तो ऊपर भी आए हो तुम लोग। तो ये देखो यहाँ से ऐसा दिखता है ये, ठीक है। एंड यहाँ पे एक डैम बना हुआ है जिसके अंदर मछलियाँ वगैरह आती है, इसमें निकलती है बारिश बारिश के दिनों में, है ना, है छठ पूजा भी होता है इसमें। तुम तो यहीं पर रहते हो तो तुमको पता होगा ना, है देखे हो तुम लोग, होता है। तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, बोलो क्या बोले, होता है। तो गाइस यहाँ पे छठ पूजा भी होता है, और मछलियाँ भी लोग मतलब लेने के लिए यहाँ पे आते हैं, क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा मछलियाँ यहाँ पे हो जाती है। और देखो बर्ड्स, बर्ड्स की आवाज़ तो बहुत आ ही रही है, क्योंकि हरियाली इतना है ना यहाँ पे, पूरा जंगल जैसा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। और कई लोग इस पर भी चढ़ जाते हैं मस्ती करने के लिए, लेकिन मैं नहीं चढ़ूँगा इस पर, टूट वूट गया तो, है ना। चलो मैं भी आ जाता हूँ। और ये देखो बिहार में लिट्टी बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो ये जब आपको दिख जाए कहीं पे तो समझ जाना लिट्टी वगैरह बनाया गया है। देखो लोगों की गलती है जो स्कूल में ये लिट्टी वगैरह बना देते हैं आके, और यहाँ पे पूरा कचरा फैला देते हैं, है ना, गलती है ना लोगों की। चलो चलो नीचे चलो, चलो तुम लोग आगे चलो, लेफ्ट में चलना है यहाँ से, है ना, हाँ लेफ्ट इधर चलो, इधर
सो जो मैंने एरिया आपको दिखाया था वहाँ पे आ गया हूँ। ये टॉयलेट वगैरह है तो छोड़ो इसको अभी, ठीक है। और इस साइड में बहुत ही जंगल ही जंगल दिख रहा है मेरे को, देखो यहाँ पर पूरा जंगल जैसा दिख रहा है, ग्रीनरी इसको कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या हुआ, बॉल चली गई? जी बॉल चली गई। तब ये निकलेगी कैसे? निकलेगी यहीं पर, जंप करना पड़ेगा इसमें। जंप करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो कैसे, अभी इसके अंदर तो कांटे वगैरह है तो कैसे निकालोगे बॉल? कांटे वगैरह तो क्या करेंगे, चप्पल पहन कर निकालेंगे। और निकालना तो पड़ेगा ही। जी अच्छा, तो फिर सही है, निकालो फिर, है ना? हाँ, फिर खेलो। हम सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कैसे निकलेगा ये। बस यही है कि एक नीचे जाएगा और एक हाथ खींचेगा, और क्या है। चलो आ जा। तो देखो ये मतलब बहुत ज्यादा पेड़ वगैरह यहाँ पे लगा रखे हैं और ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे बच्चे खड़े होते हैं और कोई कोई प्रोग्राम होता है तो यहाँ पे होता है, इसीलिए मतलब कि पेड़ वगैरह लगा रखा है साइड में ओनली, ठीक है। और ये देखो ये है कंप्लीट स्कूल और वो साइड में बाउंड्रीज लगा रखी है चारों तरफ से, है ना। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और चीज़ें जो कि हम पहले छुट्टी जब होती थी तो डायरेक्ट हम आ जाते थे इस फील्ड पे खेलने के लिए, ठीक है। और ये बहुत बड़ा फील्ड है, आप क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, कोई भी गेम खेलो। चलो इसके अंदर चलते हैं, चलो वापस कूदना पड़ेगा। वहाँ से आ जाओ, खुला है वहाँ से आ जाओ। पेड़ मत तोड़ो, क्यों तोड़ रहे हो इसको, मत तोड़ो, जाओ उधर। हाँ उधर से आ जाओ, बाउंड्री को जंप करके ही जाना पड़ेगा मेरे को भी यहाँ पे, ठीक है। और आ गए हैं यहाँ पे जंप करके, पूरा यहाँ पे ग्राउंड ही ग्राउंड है, बहुत बड़ा फील्ड है। यहाँ पे खेलते थे हम, पहले तो बहुत बड़ा लगता था जब क्रिकेट वगैरह फुटबॉल वगैरह खेलते थे, बट अब थोड़ा छोटा लगता है क्योंकि हम बड़े हो गए ना इसीलिए। ये तो देखो हमारा ग्राउंड था और यहाँ पे पीछे तालाब भी है एंड यहाँ पे मछलियों के साथ साथ हम पहले लोटस के जो फ्लावर है वो तोड़ने के लिए हम जाते थे। यदि लंच हुआ तो हम भाग के चले जाते थे और फ्लावर तोड़ के लेकर आ जाते थे, है ना। मेरे को भी इधर इधर इधर, मेरी तरफ हट जाओ तुम बीच में से, इधर इधर तुम्हारा, इधर मारो मेरी तरफ। हाँ मैं मारूंगा, यस। तो गाइस बहुत मज़ा आता है जब भी मैं गांव में आता हूँ, बच्चे और ऊपर से फिर शांति इतनी रहती है ना यहाँ पे, क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे। बॉल दे दो, बॉल दे दो। सो सब घूम लिया ना, तो चलो अब बैठते हैं, ठीक है। तो चलो यहीं पे बैठते हैं, अब मिट्टी में बैठना पड़ेगा। आ जाओ बैठो, सब बैठ जाओ, सामने बैठो, सारे सामने बैठो। तो गौरव सिंह कौन सी क्लास में पढ़ते हो? वन क्लास में पढ़ते हो, कहाँ पे? बिहिया। स्कूल का क्या नाम है? रेडियन पब्लिक स्कूल। वापस है? वापस बोलो। रेडियन रेजिसन पब्लिक स्कूल। अच्छा ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? हंस कुमार सिंह मेरा नाम। कहाँ पे रहते हो? ट्विनिंग गर्ल में। एंड तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है? फाउंडेशन स्कूल डुमरा। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? सुमन सिंह। कहाँ रहते हो? टोड़ेगंज। और तुम्हारे स्कूल का नाम? फाउंडेशन स्कूल। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हो? हाँ। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों भाई हैं, और मारते हो तुम बड़े भैया को? नहीं मारते हो, दिन में तो तुम मार रहे थे। दिन में मारते हो, रात को नहीं? ना। सिर्फ दिन में मारते हो? हाँ। बहुत परेशान करते हो, है ना? हैं? ये भी रात को मारता है। ये रात को तुमको मारता है? हाँ। तुम दिन में? हाँ। दिन में मत मारो तुम, फिर वो रात को नहीं मारेगा। ओके मारता है। ओके मारता है। हाँ, इसको सब मारते हैं। इसको प्यार से क्या कहते हैं हम लोग? छोटा हाथी। छोटा हाथी, इसको छोटा हाथी कहते हैं प्यार से। क्यों कहते हो जी, इतना मोटा थोड़ी है ये, इसको सब बोलता रहता है। सो गाइस पूरा घूम लिया यहाँ पे हमने और देख लिया है और यादा ताजे कर चुके हैं, एंजॉय भी कर चुके हैं। तो अभी अंधेरा होने वाला है तो अब डायरेक्ट हम चल रहे हैं घर, क्योंकि बच्चे भी हैं मेरे साथ में और ये स्वेटर वगैरह कुछ पहना नहीं है इन्होंने, उसका भी ध्यान रखना है। और इंजॉयमेंट पूरा हो चुका है यहाँ पे, वेट किया हमने, इंतज़ार किया बैठ के यहाँ पे लोगों का, बहुत लोगों से मिले भी। तो अब जा रहा हूँ घर, ठीक है, चले ना घर, ठीक है चलो। सो गाइज ये है हमारे गांव का दूसरा टेंपल जो कि काली माता का टेंपल है, और पहला जो मैंने आपको दिखाया वो शंकर भगवान का था, ये है काली माता का टेंपल यहाँ पे। और
पूजा वूजा यहाँ पे करने जाते हैं। और चलो ये पहला, और फिर हमारा घर उधर है देखो बीच में, वहाँ पे बीच वाली पेड़ जो है ना वो है घर। यहाँ से फिर सब रास्ते में ही आता है, तो मतलब कहीं भी जाते हैं तो दर्शन करके ही जाते हैं। यहाँ पे हमको यहाँ पे सीधा ही चलना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं, बीच में से खेत में से नहीं जाना है, वो बहुत ही गंदा है खेत वहाँ पे। सो वापस से हम उसी रास्ते पे आ चुके हैं खेत के बीच में जो आपको मैंने दिखाया था वहाँ से, और अब जा रहे हैं घर। तो मज़ा आया ना आज? हाँ, मज़ा है। अब जाके वीडियो देख लेना घर पे, है ना, दो दिन बाद। ठीक है, हाँ चलो गाइस, अभी हम घर पहुँचने ही वाले हैं, बस थोड़ी देर है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कितना दूर है। सो ये देखो यहाँ पे हम चल रहे हैं अभी सारे लोग, एंड ये है घर, यहाँ पे जाना है हमको। ठीक है, तो बस पहुँचने ही वाले हैं। सो गाइस अभी घर पे पहुँच गए हैं, इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप आपको मज़ा आया होगा, और मैंने आपको सब कुछ दिखाया यहाँ पे, और थोड़ा सा गांव वाला भी फील आपको मैंने कराया ही होगा। तो चलो बाय बाय।